घर में कहीं कोई चीज जगह पे नहीं रखता कोई। भूख लगी है, खाने तक को कुछ नहीं है। क्या होगा इस घर का यार? भूख लगी है, मैं कुछ बनाऊं खाने के लिए? अब ये दिन आ गए तुम्हारे हाथ का बना खाऊंगा मैं। हाँ? क्या लाइफ है मेरी है? इससे बदतर जिंदगी नहीं हो सकती। फुल टाइम कंप्लेन कंप्लेन चिक चिक। क्या है, मैं बनाती हूँ ना कुछ। अरे तो जिसकी लाइफ ऐसी होगी और क्या करेगा? The worst day of my life। ये लो लाइट। माँ, लाइट भी अभी। Definitely the worst day of my life। Just calm down। मैं कैंडल ढूंढती हूँ, रुक जाओ। प्लीज ढंग से खड़ी रहो, मैं कैंडल में ले आता। आप लाएंगे कैसे? दिखाई तो दे नहीं रहा है ठीक से। मेरे मोबाइल में टॉर्च है, मैं देख लूंगा। डोंट वरी, ध्यान से जाइएगा। मुझे ध्यान की जरूरत नहीं है, मेरा घर है। आंख बंद करके भी इस घर में चल सकता हूँ मैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, मोबाइल गिर गया। पर इतनी आवाज? अबे उसके साथ मैं जो था। क्या खाना बनाऊं? क्या बनाओगी? वही घास फूस। मेरे हाथ का नहीं खाना तो बाहर से मंगवा लेता है। बाहर ताला लगा हुआ है, खाना कहाँ जाएगा? खिड़की से। इंटेलिजेंट। काश तुम भी थोड़ी सी होती। अरे जान जल रही है। इमरजेंसी में तो सिर्फ सूजी दिख रही है, उपमा बन सकता है अगर आपकी शान में कोई कमी ना हो तो। भूखा मरने से तो अच्छा है बना लो। तो एक काम करो, आपसे गाजर ले आइए, प्याज ले आइए। वो भी मैं लाऊं? भूख किसे लगी है? क्या मुसीबत है यार। चाकू लाती हूं। सॉरी। हाँ। अब क्या कर दिया? माँ। अरे गाना क्या भी बोलोगी? क्या हुआ? देखो ना, चाकू गलत रखा था किसी ने, खून निकल रहा है। भूखे मरना पड़ेगा। एक तो मुझे खून निकल रहा है, इतनी जोर से चोट लगी है और आपको ये सब सूझ रहा है। तो मैंने थोड़ी मारा तुम्हें। अरे हाथ बताओ। रहने दो ना, आपको क्या फर्क पड़ता है? 2 बूंद खून है, बह गया तो मर जाओगी। अब क्या? अभी क्या? अब कुछ और मांग लिया होता ना तो वो मिल जाता। आपको नहीं खाना था ना मेरे हाथ का खाना, तो बस। अब क्या? अब मैं बताऊंगी और आप बनाओगे। हटो। बनाओगी? नहीं, जादू दिखाऊंगा। बोलो क्या करना है? ये दिल्ली में किसी और का भरोसा हो ना हो, पर बिजली जाने का भरोसा पक्का है। चल बेटा, हो जा शुरू। उसने चार चार पैक पटियाला के लगाए और जो दबा के खाना खाया, और मैंने कहा इतनी गर्मी है मत खा, और जी खा के उसकी जो पेट में हालत हुई है, फिर जो वहाँ से भागा है वो बाथरूम ढूंढते ढूंढते हालत हो गई उसकी। अरे श्यामलाल जी साहब, भल्ला साहब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं? वो 302 वाले भल्ला साहब? हाँ वही 302 वाले। अरे वो तो अपनी फैमिली के साथ बाहर गए हैं, आज उनके घर पे कोई भी नहीं है। ये उपमा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यमी है। प्लीज इसमें कुछ मलाई मक्खन डाल दो। शी हर चीज में पंजाबी तड़का थोड़ी डलता है, ऐसे ही अच्छा लग रहा है वरना फ्लेवर खराब होगा। मुझे नहीं पसंद आ रहा। इतना बुरा है? आप ही ने बनाया है। टीचर ऐसी मिली तो क्या करूं? अच्छा नहीं लग रहा है, लो छोड़ दो, मत खाओ। रहने दो, भूख के मारे जान जल रही। कैसे खाते होंगे लोग यार। आवाज सुनिए अंदर, बाहर कुछ हुआ होगा। खाओ खाओ चुपचाप। अरे बोला ना, मम्मी जी के कमरे में कोई है। पापा जी कह रहे थे कि यहाँ पे चोरी चकारी बहुत हो रही है आजकल। सुनो, कोई चोर होगा। चोर हो सकता है तो जाओ ना, जाके देखो। मैं उसने हमला कर दिया तो डर लग रहा है आपको कि वो आपसे कहीं लंबा ना हो? ओ प्लीज मुझसे, प्लीज तुम भूल रही हो कि तुम्हारी हिफाजत मुंबई से मैंने की। चोर से ज्यादा तो मुझे इससे डर लगता है। अरे जा रहा हूँ ना, सोचता हूँ चोर को पैसे देके बोलूँ इसको ले जाए यार। कौन है? हाँ? हाँ? कौन है? चोर। चोर है? बचाओ! क्या 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 लेके? अरे कोई है इधर, बचाओ! अरे बचाओ! अरे साहब मैं दिखने में डेंजर हूँ लेकिन दिल का बहुत साफ आदमी हूँ। मैं तेरे से नहीं फट रही है, पीछे कॉकरोच है। तूने टॉर्च भाई की मारो साहब। हाँ बोलो मारो साहब, मारो। ये जे तू मार, तू मार। नहीं साहब, हाँ मारो साहब। अरे मुझसे नहीं आता। अरे तू मार, बोलो साहब बोला। मिलके मारते हैं। हाँ साहब ध्यान से। तू डर मत, मैं हूँ। तू चुप चल, मैं हूँ। अरे नहीं साहब, भाग गया साला। एक मिनट, तू चोर है ना साले? हाँ साहब। अंदर कैसे आया? पाइप से चढ़ के। डर नहीं लगा? अपन का रोज का काम है साहब। तू 3 माला पाइप से चढ़ के आया और तेरे को डर नहीं लगा, और तेरे को कॉकरोच से डर लगता है? साहब इंटरव्यू क्या ले रहे हो? चोर है वो, पुलिस बुलाओ ना। हाँ साहब, भाभी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कम से कम आप ही मुझे हवालात में डलवा दो। ऐसी क्या बात है, हार क्यों मान रहा है? मैं बहुत परेशान हूँ साहब। मेरी बीवी मुझे हर रोज मारती है, कहती है बाहर जाकर चोरी कर लेकर आ, और जिस दिन मैं खाली हाथ घर जाता हूँ उस दिन आसमान सर पे उठा लेती है। साहब एक दिन मैं सो रहा था, उसने मुझे इतना धोया, मैं क्या बताऊँ साहब। साहब अगर आप हवालात में डलवा दोगे तो कम से कम वहां पर चैन से सो तो पाऊंगा। प्लीज साहब मुझे हवालात में डलवा दो। क्या कर रहा है पागल, रुलाएगा क्या? देख मैं भी उसी नाव में सवार हूँ जिसमें तू है, तेरा दर्द मैं समझता हूँ। आजा बैठ, हर डर मत इसे अपना ही घर समझ। बैठ बैठ, एक थोड़ा पानी पी। रमन आपसे नहीं हो रहा है ना, मैं इसे भगा। क्या कर रही हो बेचारा, हम परेशान है। देखो कोई दिमाग खराब हो गया है क्या? वो चोर है। उसको मुंह पे चोर बोली, उसको कैसे लगता है? तेरा नाम क्या है? साधुराम साहब। देखो भले इंसान का कितना अच्छा नाम है और तुमसे चोर चोर कर रही। डोंट इंसल्ट हिम, ओके? रमन, आप अपना सुख दुख बांट रहे चोर के साथ। खड़ी खड़ी इसको चोर मत बोलो। देख, एक बात याद रखना, बीवी को अगर तूने एक बार सर पे चढ़ने दिया ना, जिंदगी भर सर पे चढ़ के डांस करेगी। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। गलती होगी साहब। कहाँ जा रहे हैं अभी? आप ये लो अपना सामान साहब। ये रहा आपका सामान साहब। इससे पहले भाभी जी मुझे हिल से मारे। मैं चलता हूँ साहब। अरे रुक रुक, बात सुन। तुम भी ना बेचारे को डरा दिया। सुन, खाली हाथ जाएगा तो तेरी बीवी बहुत मारेगी तुझे। एक काम कर, ये पैसे रख लो। लेकिन साहब वो पूछेगी पैसा कहाँ से आया, फिर क्या बोलूंगा? एक काम कर, तू उसको ऐसा बोल कि तूने किसी की पॉकेट मार ली, है ना? तो तेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और बीवी भी खुश। ये बात सही है साहब। हर चीज का सोल्यूशन है लाइफ में। जा साहब, मैं वो सामने के दरवाजे से जाऊं? अगर वॉचमैन ने पकड़ लिया तो? अबे सामने ताला लगा हुआ है, तो मुझे शौक है इसके साथ यहाँ फंसने में। सामने बाहर से जाकर ताला तोड़ दूं? नहीं, तू इतनी मेहनत मत कर, तेरी बीवी इंतजार कर रही है। तू जा, हाँ ध्यान से जाना। कैसा संभाल के जा, है ना? हाँ साहब। और सुन सुन, अब किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो फोन कर देना बेझिझक। हाँ जी साहब। हाँ साहब। और याद रखना, बीवी सर पे चढ़ाएगा ना, जिंदगी भर डांस करेगी जी। हाँ, और अबे तेरी टॉर्च आप रख लो साहब। हाँ, हमारी दोस्ती की निशानी। ध्यान से जाना।